मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। लेटर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट को आपको पता है कि जिनमें जंप या गैप जिन नंबर्स में हो तो उन्हें कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हैव पॉसिबल वैल्यू एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एम, विंड क्रोस्पॉन्डिंग प्रोबिलिटी, इनकी प्रोबिलिटी भी है, एफ एक्स वन है, एफ एक्स टू है, अप टू सोन एफ एक्स एन है, सट डेट एफ समीशन एफ एक्स इक्वल टू वन। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डिनोटेड बाई ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई एक्स से शो करते हैं, और ई एक्स किसके इक्वल है, एक्स वन एफ एक्स वन, मतलब एक रैंडम वेरिएबल, और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स टू एफ एक्स टू प्लस अप टू सोन एक्स एन एफ एक्स एन। देन क्या है, इनका समीशन होगा आई इक्वल टू वन इंटू इन्फिनिटी एक्स आई एफ एक्स आई प्रोवाइडेड इन कन्वीनियंट एब्सोल्युटली। द सम कन्वर्ज एब्सोल्युटली इफ एंड ओनली समीशन एक्स एफ एक्स इज फाइनाइट। When x take on only a finite number of value, then ex equal है i equal to 1 into n xi fxi which are regarded as the weighted mean of the variable possible value। इसकी क्या होंगी, x1, x2 up to so on, और इसके weighted respectively probability। In case the value are equally likely, then है ex equal होगा 1 by n sum xi will represent the ordinary arithmetic mean of the n possible value। ex is called the mean of the x and it denoted by mu। म्यू से हम मीन को शो करते हैं, और ये ई एक्स के इक्वल है। ई एक्स क्या है, वो एवरेज है रैंडम वेरिएबल की। देन रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका क्या है, जब कंटिन्यूस का केस होगा, जब रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट का केस होगा देन हम समीशन करेंगे, जब इसमें कंटिन्यूस का केस होगा देन ई एक्स इक्वल होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स। इट प्रोवाइडिंग द इंटीग्रल कन्वर्ज एब्सोल्युटली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स इज फाइनाइट। देन एग्जाम्पल है यहाँ पे है, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड विद व्हेन कॉइन इज टॉस। यहाँ पे अब नंबर दिए गए हैं, एक्स है उसकी 0, 1, 2, 3 है, और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है 1 बाई 8, 3 बाई 8, 3 बाई 8 और 1 बाई 8। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इनको x की वैल्यू को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 इंटू 1 बाई 8 प्लस 1 इंटू 3 बाई 8 प्लस 2 इंटू 3 बाई 8 प्लस 3 बाई इंटू 1 बाई 8 कर देंगे। इस तरह से क्या है, एक्स वन एफ एक्स वन प्लस एक्स टू एफ एक्स टू अप टू सोन एफ थ्री एक्स थ्री एफ थ्री है, इसमें जीरो डॉट प्रोबेबिलिटी प्लस वन डॉट क्यू पी प्लस टू क्यू स्केयर पी बन जाएगा, देन थ्री क्यू क्यू पी बन जाएगा, जब क्यू आर को पी को कॉमन लेंगे वन प्लस टू पी प्लस थ्री क्यू स्केयर आ जाएगा, एंड क्यू पी है वन माइनस क्यू माइनस टू, और यहाँ पे क्यू पी और पी माइनस स्केयर है, और विच इज इक्वल टू है क्यू बाई पी। इस तरह से एक और एग्जांपल दी गई है, वो भी आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, एक्सपेक्टेड ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। लेट एच एक्स बी अ फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, देन एच एक्स इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल एंड इट एक्सपेक्टेड वैल्यू एनी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। देन रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स, सिंच एस एच एक्स टेक द वैल्यू एच एक्स आई किसके इक्वल है एक्स आई के, देन ई एच एक्स आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच एक्स लेंगे विच इज इक्वल टू एच एक्स वन एफ एक्स वन प्लस एच एक्स टू एफ एक्स टू प्लस अप टू सोन एच एक्स एन एफ एक्स एन। समीशन करेंगे, समीशन इक्वल टू एच एक्स आई एफ एक्स आई है। इस तरह से जब कंटिन्यूस का केस होगा देन ई एच एक्स में क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच एक्स आई एफ एक्स आई आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, इन पार्टिकुलर इफ एच एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर इक्वल टू समीशन एक्स आई स्केयर एफ एक्स आई, देन है ई एक्स माइनस म्यू स्केयर इक्वल है सम एक्स आई माइनस म्यू स्केयर एफ एक्स। यहाँ पे क्या है, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरियंस एंड डिनोटेड बाई वेरियंस एक्स और सिग्मा स्केयर, डेट इज ई सिग्मा स्केयर इक्वल टू ई एक्स माइनस म्यू स्केयर इक्वल टू ई एक्स स्केयर माइनस ई एक्स होल स्केयर। देन है वेरियंस एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, वेरियंस ए इक्वल टू जीरो वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट, एंड है वेरियंस ए एक्स इक्वल टू ए स्केयर वेरियंस एक्स वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट, एंड है वेरियंस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर वेरियंस एक्स वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, एंड ई एक्स के इक्वल टू है समीशन एक्स आई पावर के
एफ एक्स आई। देन है एच एक्स इक्वल है एक्स माइनस म्यू के वन टू थ्री फोर अप टू सोन है, म्यू के इक्वल है ई एक्स माइनस म्यू पावर के। देन ये किसी को लाएगी समीशन एक्स आई माइनस म्यू पावर के एफ एक्स आई। देन है वाई आई इक्वल है ई एक्स माइनस म्यू क्यूब बाय सिग्मा स्केयर, और बीटा टू जो इक्वल होता है म्यू फोर बाय म्यू टू स्केयर। ये आपको पहले भी पता है कर्टोसिस में। फिर एक एग्जांपल है हमारे पास एक्स आई और एफ एक्स आई की वैल्यू दी गई हैं, और यहाँ पे एक्स आई की वैल्यूज हैं एफ एक्स आई की वैल्यू हैं। देन हमने थ्री एक्स माइनस वन थ्री एक्स आई माइनस वन फाइंड आउट किया है। देन यहाँ पे क्या आएगा समीशन एच एक्स आई एफ एक्स आई इक्वल टू समीशन थ्री एक्स आई माइनस वन एफ एक्स आई। अब इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई किया गया है, देन इनका आंसर आ जाएगा 7.1। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 की एफ एक्स आई दिया गया 1, 4, 9, 16 and 11 है। देन सम ई एक्स स्केयर में जब करेंगे देन सम एक्स आई स्केयर एफ एक्स आई है स्केयर वाली वैल्यू, यहाँ पे एक्स आर वैल्यू को स्केयर करके उससे एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है। देन ई एक्स स्केयर प्लस टू जब है देन हर वैल्यू को एक एक्स आई का स्केयर लेने के बाद उसमें टू ऐड करके फिर एफ एक्स आई से मल्टीप्लाई किया गया है। इस तरह से आपने बाकी एग्जांपल भी देख लेनी है। ये एक इंटीग्रेशन की वैल्यू है, इसमें क्या करेंगे इसमें हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। पहले हमने क्या किया था समीशन लिया था जब डिस्क्रीट है, जब कंटिन्यूस वैल्यूज हैं देन हमने इंटीग्रेशन लेकर फंक्शन का इंटीग्रेशन लेके और यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट करनी है। स्केयर के लिए भी इंटीग्रेशन लेंगे एक्स स्केयर हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे देन वेरियंस फाइंड आउट करेंगे। ये भी सिमिलर एग्जांपल है। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज गिवन बिलो। इफ ए इज अ कॉन्स्टेंट देन ई ए इक्वल टू ए, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और इसमें वन टू एक्स इक्वल है आई इक्वल टू वन टू अप टू सोन, ई एक्स इज गिवन एक्स इक्वल टू ए इज गिवन, देन है ई ए इक्वल टू समीशन ए एफ एक्स आई, देन ए एफ एक्स वन प्लस ए एफ एक्स टू अप टू सोन ए एफ एक्स एन, देन ए एफ एक्स वन प्लस एफ टू एंड अप टू सोन है ए समीशन एफ एक्स आई इक्वल टू ए है। देन इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट एंड वेरिएबल इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट देन ई ए एक्स प्लस बी है, देन ए पहले आ जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स पर अप्लाई होगी प्लस बी आ जाएगा। इस तरह से क्या है ई ए एक्स प्लस बी समीशन ए एक्स प्लस बी एफ एक्स आई है, देन ए एक्स आई प्लस बी एफ एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस बी एफ एक्स टू अप टू सोन ए एक्स एन प्लस बी और एफ एक्स एन है, इन पे सब में अप्लाई होगी। देन समीशन ए समीशन एक्स आई एफ एक्स आई प्लस बी समीशन एफ एक्स आई है। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। देन ई एक्स प्लस वाई जब होगा देन एक्सपेक्टेशन एक्स पे भी अप्लाई होगी वाई पे भी। यहाँ पे नीचे दिए गए ई एक्स प्लस वाई है देन डबल समीशन के साथ एक्स आई प्लस वाई जे एफ एक्स आई वाई जे देन समीशन डबल समीशन एक्स आई एफ एक्स आई वाई आई प्लस डबल समीशन वाई जे एफ एक्स आई वाई जे है। देन अगर माइनस का केस हो देन भी इन पे समीशन अप्लाई होगी। देन है समीशन एक्स आई एफ एक्स आई वाई आई प्लस एफ एक्स आई प्लस वाई टू प्लस अप टू सोन एफ आई एक्स आई वाई एन इक्वल टू समीशन एक्स आई जे आई विच इज इक्वल टू ई एक्स, और इसी तरह से वाई आई में वाई आई के लिए एच वाई फाइंड आउट करेंगे। देन ई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टी है कि एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन तक हों देन हर एक एक्स वन पर एक्सपेक्टेशन प्लस ई एक्स टू प्लस अप टू सोन ई एक्स एन एंड समीशन ई एक्स आई है। देन ई एक्स माइनस वाई है देन ई एक्स माइनस ई वाई है। अगर ई एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें ई एक्स वाई पे देन ई एक्स इंटू ई एक्स वाई आ जाएगा, मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाई होगी। ई एक्स वाई इक्वल है डबल समीशन एक्स आई वाई जे एफ एक्स आई वाई जे डबल समीशन एक्स आई वाई वाई जे जी एक्स आई एच वाई जे। देन है ई समीशन एक्स आई वाई एक्स जी एक्स आई समीशन वाई जे एच वाई जे ई एक्स और ई वाई आ जाएगा। ये इस तरह से एग्जांपल में भी सॉल्व किया गया है कि एक्स आई जी एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, हर एक्स आई की वैल्यू को जी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एच वाई के लिए वाई आई की हर वैल्यू को एच वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे देन इनका समीशन कर लेंगे। द
देन है कोवेरियंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल, द कोवेरियंट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विद द वेरिएबल टेन टू इंक्रीज और डिक्रीज टूगेदर। यहाँ पे क्या है कोवेरियंस में क्या है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ई एक्स वाई माइनस ई वाई, जब एक्सपेक्टेशन दोनों पे अप्लाई होगी ई एक्स वाई इनको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई माइनस एक्स ई वाई माइनस वाई ई एक्स प्लस ई एक्स ई वाई है, देन ई एक्स वाई और माइनस ई एक्स ई वाई है माइनस ई वाई ई एक्स प्लस ई एक्स ई वाई है, दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी जो बिल्कुल सिमिलर हैं, देन ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई रिमेनिंग रहेगा और इनका कोवेरियंस जीरो के इक्वल है। वेरियंस ऑफ द सम ऑफ डिफरेंस में क्या है एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स प्लस वाई स्केयर करेंगे ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस वाई माइनस ई वाई स्केयर है, इस तरह ई एक्स माइनस ई एक्स स्केयर बन जाएगा प्लस ई वाई प्लस ई वाई स्केयर बन जाएगा प्लस टू ई एक्स प्लस ई वाई एक्स और ई वाई माइनस ई वाई बन जाएगा, देन वेरियंस एक्स प्लस वेरियंस टू एक्स टू और देन है कोवेरियंस एक्स वाई आ जाएगा। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।